गूगल ने शनिवार को डूडल के साथ प्रसिद्ध फारसी गणितज्ञ, दार्शनिक, कवि और खगोल शास्त्री उमर खयाम का 971वां जन्मदिन मनाया। पूर्वोत्तर ईरान के निशापुर में 18 मई 1048 को जन्मे उमर खयाम कई गणितीय और वैज्ञानिक खोजों के लिए उल्लेखनीय हैं। वह घन समीकरणों को हल करने के लिए एक सामान्य तरीका बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, जहां उन्होंने शंकुओं के प्रतिच्छेदन द्वारा ज्यामितीय समाधान प्रदान किए। एक अन्य प्रमुख योगदान में जलाली कैलेंडर, एक सौर कैलेंडर शामिल है, जिसे उन्होंने करीब करीब वर्ष के अंतः चक्र के साथ तैयार किया है। यह बाद में कई अन्य कैलेंडर का आधार बन गया। उमर खयाम अपनी कविता और छंदों के लिए भी प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1000 से अधिक रुबैया या छंद लिखे। एडवर्ड फिजराल्ड द्वारा अनुवादित कार्य का एक खंड उमर खयाम का रुबैया पश्चिम में उनकी मृत्यु के बाद लोकप्रिय हो गया। अपने समय के सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक ख्यायन ने खुरासान प्रांत में मलिक शाह आई के सलाहकार और अदालत ज्योतिषी के रूप में काम किया। खयाम ने बीजगणित में भी प्रमुख योगदान दिया, जिसमें बीजगणित की समस्याओं के प्रदर्शन पर ग्रंथ को शामिल करना शामिल है। उन्होंने पास्कल के त्रिकोण और द्विपद गुणांक के त्रिकोणीय सरणी की भी खोज की। उन्होंने संगीत और बीजगणित पर एक किताब प्रॉब्लम्स ऑफ अरिथमेटिक भी लिखी। 4 दिसंबर 1131 को उनकी मृत्यु हो गई और उन्हें खयाम गार्डन में दफनाया गया।